ये बूढ़ी औरत जब बहुत छोटी थी अपने माँ बाप के घर पर, तो उसके माता पिता का नियम था हर पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी वृंदावन दर्शन करने जाना, माता पिता का नियम। अब माता पिता जो करेंगे बच्चे वो ही सीखेंगे। बच्ची जरा सी बड़ी हुई तो माता पिता उन बच्ची को लेकर बांके बिहारी के मंदिर के में दर्शन करने के लिए हर पूर्णिमा को जाया करते थे। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी हुई और बच्ची को भी बांके बिहारी के दर्शन की आदत हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हर पूर्णिमा के दिन वो बच्ची दर्शन करने जाती थी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई, शादी हो गई, शादी करके दूसरे के घर में गई, वहां जाके भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, पूर्णिमा को दर्शन करने बांके बिहारी जाती रही। बच्चे हुए घर में, बच्चे बड़े हुए, पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, परंतु भगवान की पूनम का दर्शन नहीं छोड़ना, इतना दृढ़ संकल्प किया था। बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण, फिर भी पूनम नहीं छूटी। घर में बहू आ गई, उनके वहां भी छोटे छोटे दो चार बच्चे हो गए। अब ये बच्ची बूढ़ी हो गई परंतु भगवान की पूनम नहीं छोड़ी, और अंत में वृद्धावस्था आ गई। आप जानते हैं वृद्धावस्था बहुत कठिन होती है, और वृद्धावस्था में कोई सुनता नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। गुजराती में बहुत सुंदर एक भजन है, घड़पण रे घड़पण क्या थी आव्यू घड़पण, आंखे देखाय नहीं काने संभड़ाय नहीं, तो ये जी बला बला बथाय घड़पण। एक वृद्धावस्था है, छोकरा ना छोकरा, माथे मारे ठीकरा, कोई सुनता नहीं है। अब ऐसी वृद्धावस्था आई और बिचारी बुढ़िया थक गई थी, थकी हुई बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने गई, इतने धक्के लगे बिचारी गिर गई, रोती रोती भगवान के सामने देखा, प्रभु अभी तेरी ये भक्त बुढ़िया हो गई है, प्रभु आज के बाद तेरा दर्शन बंद, अब मैं नहीं आऊंगी दर्शन करने। अरे भगवान को चिंता हो गई, अब ये नहीं आएगी तो, भगवान को आदत हो गई थी उसकी, ठीक है। बोलती हुई बाहर निकली, अब इस मंदिर में आना ही नहीं चाहिए, बहुत धक्का ये वो, बोलती हुई बाहर आई और बाहर एक दुकान वाला मिल गया। अब सब पहचानते थे इतने सालों से आ रही है औरत, इसलिए दुकान वाले ने कहा क्या हुआ मैया, परेशान लग रही हो। अरे क्या बताओ, बांके बिहारी सामने देखते नहीं है, आज से मंदिर आना ही नहीं है, बस अंतिम पूर्ण भक्त भगवान के घर जाना है। अब दुकान वाले को सुबह से बोहनी नहीं थी, बोलो जय श्री कृष्ण। कहा मैया अब न आओ तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान को घर पर ले जाओ, 20 रुपए की है ये मूर्ति, तुम ना आओ तो कम से कम भगवान को ले जाओ। बुढ़िया को ये बात जच गई, 20 रुपए देकर बांके बिहारी की एक पीतल की मूर्ति उसने खरीदी और घर पर ले गई, और घर पर जाकर भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, पूजन शुरू हो गया। और इतना भाव से ये बुढ़िया पूजन कर रही है, लग रहा है जैसे ये कृष्ण मेरा पुत्र है। गर्मी है तो ठाकुर के आसपास में पुष्प की रंगोली करती है, भगवान को फुवारे में बिठा दी है, भगवान के लिए नाव मनोरथ करती थी। बहुत ठंडी होती थी तो भगवान को स्वेटर पहनाती थी, और यहाँ तक कहा गया कि बाहर बारिश होती थी तो वो भगवान के ऊपर छाता रखती थी, बोलो जैसे कृष्ण। भाव था ना, भाव से पूजा करने लगी। 1-8 साल गया, बहुत भाव से पूजन किया, नित्य नया भोग लगाना, नित्य नया श्रृंगार करना, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, ऐसे ऐसे शब्दों से कृष्ण को बुलाती थी। समय बीता, बूढ़ी हो गई, एक दिन माँ बहुत बीमार हुई, सेवा में जाने का समय नहीं मिला, बहुत बुखार था शरीर में, समय नहीं था। अपनी बहू को कहा बेटा आज जन्माष्टमी का दिन है, मेरे लल्ले का जन्मदिन है, बेटा जरा पूजा कर दे, मेरे ठाकुर को, मेरे लल्ला को पंचामृत से नहलाओ और भगवान को सुंदर पलने में झुला दो बेटा, इतना काम करो। और बहू एना रही थी, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है लैपटॉप पर। अब बुढ़िया को आया गुस्सा, कहा चली जाओ अपने बाप के घर, मेरे घर में ठाकुर का काम पहले और सब काम बाद में, करना है तो ठाकुर को नहलाओ नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अब बहू भी सोच रही थी बुढ़िया पागल हो गई, अब जब जाए तो अच्छा है, यहां से चलो अब करना पड़ेगा, मजबूरन नहीं करना था, फिर भी माँ के कहने से ये बहू ठाकुर की पूजा करने बैठी। पंचामृत लिया, तांबे का तास बड़ी कट करो बड़ी परात ली, ठाकुर को लिया और जैसे वो बर्तन घिसते हैं ना वैसे ठाकुर को जोर जोर से घिसने लगी। अब ये ठाकुर को तो आदत थी प्रेम की, इसके हृदय में प्रेम नहीं था और ठाकुर हाथ से छटक गए।
जैसे ही मूर्ति हाथ से छटकी, नीचे पराती टन करके आवाज आई और बुढ़िया ने सुन ली, एकदम चमक गई। ओ मेरा लल्ला गिर गया, मेरे ठाकुर गिर गए, मेरे भगवान गिर गए, जल्दी जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ, जाओ घर से बाहर निकल गई, जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, मेरा लल्ला गिर गया, उसको खून निकला दो, वो बीमार हो गया। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ बुढ़िया, क्या हुआ? बच्चा बाहर आया, बहू बाहर आई, बच्चे को पूछा क्या हुआ तेरी माँ को? सज्जन बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ पागल हो गई। लोगों ने कहा ठीक है भाई, बुढ़िया बुढ़ा वृद्धावस्था ऐसे ही होती है, एक झूठ मूठ के डॉक्टर को बुला के आओ, डॉक्टर को बोलो झूठ बोल देंगे। कहा ठीक है, एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए और बुढ़िया को कहा क्या हुआ मैया? कहा डॉक्टर साहब मेरा लल्ला गिर गया है, चलो उसको देखो, कुछ चोट लगी मेरे कृष्ण को। भगवान आए और कृष्ण को देखा, मूर्ति को देखा, कहा मैया चिंता मत करो, तुम्हारे प्रभु को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं चोट नहीं लगी है। बुढ़िया ने कहा झूठे झूठ बोलते हो, हम जब आते हैं तो कान में वो कुछ लगाते हो और हमको ऐसा चेक करते हो, मेरे ठाकुर को चेक करो एक बार, बिना चेक किए बोलते हो झूठे आदमी। अब डॉक्टर ने बच्चे ने कहा डॉक्टर साहब कुछ करो। अब डॉक्टर ने कान में वो आला लगाया और जैसे ही ठाकुर के हृदय पर गिरा, सज्जन ये विश्वास मानिए, डॉक्टर के हाथ कांपने लगे, पसीना छूट गया, आंख से आंसू बहने लगा, बैग आला सब कुछ वहां डॉक्टर छोड़कर सब खड़ा हो गया और घर से बाहर जाने लगा। बुढ़िया ने पूछा डॉक्टर साहब कहां जा रहे हो? डॉक्टर ने इतना ही जवाब दिया कि मैया जहां से तू ठाकुर लाई मैं वहां जा रहा हूं। मैया ने पूछा क्यों? डॉक्टर ने कहा मां तेरे भाव से आज मुझे पीतल की मूर्ति में भी धड़कन सुनाई दी, यह केवल भक्ति, असंभव कार्य भी संभव हुआ। और वो डॉक्टर वृंदावन गया और वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण को देखकर वो पागल हो गया और कालांतर में वो पागलदास बाबा कहलाए। आज भी वृंदावन में पागलदास बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है, आप कभी जाओ दर्शन करने तो उसकी मुलाकात लेना। ये भक्ति मार्ग है, सब कुछ कृष्ण करते हैं, असंभव को भी संभव कृष्ण कर देते हैं, इसलिए राधा भक्ति है और कृष्ण ज्ञान है। इसलिए तो हमारे कहा बताया गया कि राधा का नाम बोलोगे तो कृष्ण जल्दी आएंगे और कृष्ण का नाम बोलोगे तो आने में देर लगेगी, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति आ रही है, कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण। कृष्ण से पहले राधा नाम बोलने का एक बहुत बड़ा महत्व है, सुनना है तो अंतिम दिन की कथा में जरूर आना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण से पहले राधा क्यों, बहुत अद्भुत कथा है, अंतिम दिन आएगी और वो ही दिन राधा का अंतिम दिन है, राधा उस दिन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। तो ये राधा का अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा गया, पूरे भागवत में कहीं राधा नाम नहीं है, राधा शब्द तक नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा जी ये सुखदेव जी की सदगुरु थी, उन राधा से सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित राजा को कथा सुनाई तो बीच में राधा शब्द नहीं कहा, क्योंकि यदि राधा शब्द बोलते तो सुखदेव को समाधि लग जाती और समाधि लग जाती तो आगे की कथा होती नहीं, आगे की कथा होती नहीं तो परीक्षित का मोक्ष होता नहीं, इसलिए उन्होंने राधा शब्द नहीं बोला, अपितु राधा की जगह केवल भगवान की सखी ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से इस राधा की तरफ इशारा कर दिया है। तो आज गोकुल में पहली बार राधा का आगमन हुआ जब भगवान ने दामोदर लीला की है। ये दामोदर लीला क्या है? तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की उम्र अब 5 साल की हो चुकी है, 5वें साल में जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो कृष्ण की लीलाएं और बढ़ने लगी थी, रोज नित्य कृष्ण झूठ बोलता है। माँ कहता है बेटा तूने मक्खन खाया? बोले माँ मैंने नहीं खाया। बेटा क्यों झूठ बोलते हो? तुमने भी मक्खन खाया और आधे गांव को भी खिलाया। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कभी अकेले नहीं खाया, गांव के जितने बच्चे थे, यहां तक कि गांव के बंदर, गांव के तोते, गांव के पक्षी चिड़िया सबको इकट्ठा करता था और खिड़की से हाथ बाहर करके कृष्ण सबको मक्खन खिलाता था। अनेक कक्ष वाला, अनेक रूम वाला एक बहुत बड़ा महल था नंदराय का, अंतिम कक्ष में मक्खन छुपा के रखा जाता था।
दौड़ता हुआ कृष्ण वहां जाता था, मक्खन खाता था, मटका फोड़ता था और मक्खन ले लेकर खिड़की से बाहर डालता था, सबको कृष्ण मक्खन खिलाता था। क्यों सबको खिलाता? ये सब गोपाल कौन है? भगवान की बहुत बड़ी एक मंडली थी, उसमें कई भगवान के मित्र थे, मधुसूदन था, मधुमंगल था, सिद्धामा थे, बलराम थे, अनेक भगवान के मित्र थे, सबको भगवान ने मक्खन खिलाता था। एक बार बलराम ने टोका कृष्ण को, काना ये सबको क्यों खिला रहे हो, बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने मन में कहा अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, गुजराती में कहा एकला एकला खाए, इन्हें गाले गाढ़ पचोड़ा थाए, अकेले नहीं खाना चाहिए, बीमारी होती है गाल की। बलराम ने कहा मुझे उल्लू बना रहे हो, सही बताओ क्यों खिला रहे हो। कृष्ण ने आंख बंद की और सबको याद किया, बलराम पूर्व जन्म का एक लेन देन बाकी है, बोलो जय श्री कृष्ण। पूर्व जन्म का मेरा एक काम छूट गया है, उस काम को पूर्ण करने के लिए मैं उन सबको मक्खन खिलाता हूं। इसलिए ध्यान दीजिए भगवान के सब मित्र कौन है, ये कथा रामायण से मिलती है, भागवत में नहीं है। एक मिनट के लिए रामायण में चक्कर लगा देते हैं, बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामायण की एक कथा, भगवान कृष्ण के ये मित्र कौन है तो बहुत ध्यान दीजिए। हुआ यूं, रामायण की इस कथा आप सबको पता है, भगवान राम ने सेतुबंध बनाया और वो पत्थर रख रख के सेतुबंध बनाकर उस पार गए, रावण को मारा और सीता माता को अग्नि परीक्षा करके उनको छुड़वाया, उनको लेकर जब घर आना था और पता चला कि अब एक दिन बाकी है, मेरे वनवास के दिवस सब खत्म हो गए, एक दिन बाकी है, यदि एक दिन में मैं अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भाई भरत आत्महत्या कर लेगा। अब रहा एक दिन, एक दिन में दक्षिण भारत से उनको उत्तर भारत में मतलब अयोध्या तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? विभीषण ने कहा प्रभु चिंता मत करिए, हमारा विमान है एयरजेट का, उसमें बैठ के चले जाएंगे। तो उनका जो पुष्पक नाम का विमान था रावण का, वो भगवान को दिया गया। अब उसकी भी लिमिट थी, सबको तो नहीं मिटा सकते। जब भगवान युद्ध करने आए तो बहुत लोग आए थे, कितने वानर, कितने बंदर के बच्चे, बंदर बहुत लोग थे। अब भगवान ने सबको कहा भाई सब तो हमारे विमान में नहीं आ सकते, हम 5-6 लोग विमान में जाएंगे, आप सब लोग अयोध्या पहुंच जाओ। कहा ठीक है। और भगवान राम सीता लक्ष्मण फिर हनुमान जी, ऐसे 4-5 लोग उस विमान में बैठकर सब लोग आ गए भगवान के अयोध्या तक। अयोध्या तक जैसे ही पहुंचे और अयोध्या में आए, भरत का मिलन हुआ, भरत से मुलाकात की और बहुत बड़ा उत्सव किया, राजा भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। अब ध्यान दीजिए सज्जनों, राज्याभिषेक करने के बाद हनुमान जी और सुग्रीव मतलब जितने भी लोग आए थे भगवान के साथ विमान में बैठकर, उन सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया। और जब उनको कुछ ना कुछ दिया तो हनुमान जी का मुंह हनुमान जैसा बन गया, बोलो जय श्री कृष्ण, मतलब मुंह चढ़ गया। भगवान ने पूछा हनुमान जी क्या बात है, आज आप नाराज लग रहे हो। हनुमान ने कहा प्रभु क्या बताऊं, इतने बंदरों ने आपको मदद किया, आपने बंदरों को कुछ नहीं दिया। राम ने कहा बात तो सही है हनुमान जी, तो बुलाओ उनको, सब बंदरों को यहाँ बुलाओ, हम सबको भोजन कराएंगे। हनुमान ने मना किया, भगवान ये बात छोड़िए, बंदरों को भोजन कराना संभव नहीं है, और कुछ उनको दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप सब बंदरों को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। हनुमान ने बहुत मनाया परंतु भगवान राम माने नहीं, और सीता ने कहा मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी सब बंदरों के लिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ बनाओ। सीता माता ने बहुत सारा भोजन बनाया, हनुमान जी ने वायु से सबको आदेश दे दिया सभी बंदर आ जाओ, और पूरे भारत में जितने बंदर थे वो सब अयोध्या पहुंच गए, बोलो जय श्री कृष्ण। सब बंदर आए और अयोध्या के बाहर सबकी मीटिंग रखी गई। हनुमान जी ने सबको समझाया देखो बंदर, कल भोजन करना है और भोजन में बैठना है तो पंगत में बैठना, ये राजा राम का महल है और खाने के नियम होते हैं, थाली में सब परोसा जाए और बाद में नमः पार्वती पतये हर हर का नारा लगेगा, सब प्रणाम करना, बाद में भोजन करना। अब बंदर ने कभी ऐसे तो नियम से भोजन किए नहीं बेचारा, जंगल में खाया था जैसे तैसे। और हनुमान जी ने सबको समझा दिया, बंदर भी सब समझ गए एकदम, अच्छा माथा वाथा लगा के, तेल वेल लगा के, पाउडर वाउडर लगा के सब बंदर तैयार होकर भोजन में गए और बड़ी बड़ी पंगत लगी।
थाली परोसी गई और थाली में बहुत प्रकार का सुंदर भोजन आया, दाल भात कढ़ी पापड़ भजिया बहुत कुछ आया, उसमें काले चने भी आए। बोलो जय श्री कृष्ण। देसी चना उसकी सब्जी बनती है, देसी काले चने की। अब वो चने की सब्जी आई, चना काला और उसका रसा पीला। अब बंदरों ने देखा, ये आइटम आज तक हमने कभी देखी नहीं, ये कुछ कुछ नई आइटम है खाने। अब एक बंदर से रहा नहीं गया तो उसने बेचारे एक चना लिया और ऐसे जोर से दबाया, और जैसे ही चना दबाया तो चने का छिलका हाथ में और अंदर का चना बाहर, और बंदर को लगा डर कि कहीं हनुमान जी ने देख लिया तो मुझे निकाल देंगे, इसलिए वो चना नीचे आए उससे पहले मैं ऊपर जाकर वो चना खा लूं। तो जोर से बंदर कूदा और हवा में ही वो चना खा लिया। सज्जनों, दूसरे बंदर ने देख लिया, बोलो जैसे उसने कहा, भाई हमें भी पता नहीं आइटम क्या है, अब ये खाने की यही रीत होगी, शहर है हमें क्या पता। अब दूसरे बंदर ने भी शुरू किया, चना दबाया, हवा में जाके खाया, तीसरे बंदर ने चलाई, तो परंपरा होगी यहाँ की। लगाओ और सज्जनों, इतने बंदर ने चना चने खाए, चने लाओ सब कूदने लगे, कूद कूद के चने खा रहे, इतने चने खाए और सब खाना ऐसे का ऐसा रहा।